दुर्भाग्य से भारत की पुरातन सनातन संस्कृति अफगानिस्तान व पाकिस्तान में दबी पड़ी है, जिनसे आम भारतीय परिचित नहीं है। आज हम अफगानिस्तान में एक नए बुद्धिस्ट शहर की खोज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। 1973-74 में रशियन व अफगानिस्तान के आर्कियोलॉजिस्ट ने मिलकर एक बुद्धिस्ट शहर की खोज की। नाम है मेसायनाक, जिसका अर्थ है तांबे का छोटा स्रोत। ये शहर काबुल अफगानिस्तान के 40 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में एक प्रमुख बौद्ध बस्ती थी। यह लौग प्रांत का बंजर क्षेत्र है। पुरातत्वविदों ने साइट की तस्वीरें खींची हैं और अवशेषों की खुदाई की है। मेसायनाक की साइट में बौद्ध मठों, घरों, 400 से अधिक बुद्ध मूर्तियों, स्तूपों और बाजार क्षेत्र का एक विशाल 40 हेक्टेयर का परिसर है। साइट में कांस्य युग से बरामद कलाकृतियां हैं। बरामद कलाकृतियां 3000 साल से अधिक पुरानी हैं। पुरातत्वविदों को बौद्ध स्तर के नीचे 5000 साल पुराने कांस्य युग के स्थल के अवशेष मिलने लगे हैं, जिसमें एक प्राचीन तांबा स्मेल्टर भी शामिल है। एक अनुमान के अनुसार यहां 25 लाख टन तांबे का भंडार मिल सकता है। साइट के नीचे तांबे का पता लगाने के लिए अफगानिस्तान की सरकार की उत्सुकता तांबे की माइनिंग में है। चीन कंगाल अफगानिस्तान में तांबे की माइनिंग में इन्वेस्टमेंट कर काम शुरू कर चुका है। पुरातत्वविदों ने साइट की तस्वीरें खींची हैं और अवशेषों की खुदाई की है। जरूरत है ऐसी सनातन धरोहरों की अनदेखी करने के बजाय भारत इन्हें संरक्षित कर विनाश से बचाने का प्रयास करे।